तो फ्रेंड आप भी करते हैं हमारे स्मार्टफोन को यूज, तो स्वाभाविक बात है कि अपने कुछ प्राइवेट फोटो वीडियोस वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक डिटेल हो गया, कार्ड डिटेल हो गया वगैरह वगैरह चीज को अपने फोन में आप स्टोर करते होंगे, सारी चीजें आपके फोन में स्टोर रहती होगी, आपका आधा से ज्यादा काम आपका फोन करता होगा। तो फ्रेंड आपने कभी सोचा अगर मेरा इतने सारे डाटा को मैंने अपने फोन में स्टोर कवर करके रखा, अगर मेरा फोन कहीं खो जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगी? अगर वो फोन का आपका कहीं चोरी हो जाता है और किसी हैकर के पास चला जाता है तो आप एक हैकिंग के शिकार हो सकते हैं और एक भारी भरकम रकम आपका चला जा सकता है। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका फोन कहीं खो गया तो मात्र फ्रेंड 5 मिनट में आपके फोन को फाइंड कर सकते हैं, सिंपली वो भी एक अपनी ईमेल आईडी से। तो पूरे प्रोसेस के बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं सारी डिटेल के साथ। तो फ्रेंड गूगल का एक बना बनाया हुआ ऐप है जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस, और एक्चुअली ये फंक्शन आपके फोन के सेटिंग में भी उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है लेकिन हम आप अनदेखा कर देते हैं, ज्यादा कुछ सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए हमें मालूम नहीं चलता है कि फाइंड माई डिवाइस का सेटिंग कहाँ पे है। एक्चुअली प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिल जाएगी जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस, सिंपली आके प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए फाइंड माई डिवाइस, वहाँ पे गूगल का है और गूगल डाउनलोड कर लीजिए। ज्यादा एमबी का नहीं है, वो कम एमबी का ही है लेकिन सेफ्टी सबसे ज्यादा पावरफुल का है। सारा डिटेल आपका फोन का करंट लोकेशन, आपका फोन में नंबर कौन से यूज हो रहे हैं, फोन यूज कहाँ पे हो रहा है, आपका फोन आप यूज कर रहे हैं या किस कोई और यूज कर रहा है, सारी डिटेल प्ले साउंड की उसमें फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आपका फोन कहीं घर में खो जाता है तो सिंपली किसी के फोन में अपना ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए और सिंपली वहां प्ले साउंड कीजिए, आपका फोन बज उठेगा, जहां पे साइलेंट वाइब्रेशन में है फिर भी बज उठेगा। तो ये सारी फैसिलिटी इस ऐप में है। चलिए इस ऐप का करते हैं रिव्यू। एंड जैसा कि मैं यूज करता हूँ एमआई रेडमी 3S प्राइम, तो सारे का फाइंड माई डिवाइस सिस्टम सब फोन में सब जगह होता है। जैसा कि मैं जाता हूँ एमआई क्लाउड में, तो यहाँ पे सिंपली देखा जाएगा फाइंड डिवाइस का स्टेटस ऑन है, आपको भी हमेशा स्टेटस का अपने फोन में खोज के और फिर अपने फोन का स्टेटस आसानी से ऑन कर लीजिए। देखिए जैसा कि ये मेरा imi.com का है, लेकिन फाइंड माई डिवाइस सबका सिस्टम एक ही काम करता है, आपको लोकेशन को पहले फाइंड माई डिवाइस का लोकेशन आपको ऑन करके रखना होगा। अब चलिए प्ले स्टोर पे, सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, मैं यहाँ पे ऊपर वाले पे करता हूँ क्लिक और सिंपली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गूगल फाइंड माई डिवाइस गूगल LLC यानी कि ये जो है ऐप गूगल का है, सिंपली यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो अब यहाँ पे हम करते हैं ओपन। जब भी आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका ईमेल लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो आप आसानी से यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर ले। अगर आपका फोन खो गया है और अपने फोन को फाइंड करने के लिए आप इसमें किसी के फोन में लॉगिन हो रहा है तो आपको साइन इन एज गेस्ट के रूप में आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका फोन है और ये सेटिंग आप खुद यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऊपर वाले पे लॉगिन करना होगा। सिंपली यहाँ पे हम कंटिन्यूस पे करते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड हम फिल कर दे रहे हैं। तो सिंपली आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली जो है सो मेरा लोकेशन एडजेक्ट बता दिया गया कि मेरा फोन अभी कहाँ पे है, और सिंपली जो है सो एडजेक्ट लोकेशन मेरा बता दिया गया मेरा फोन अभी कहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे सिंपली जैसा कि मैप टाइमलाइन में यहाँ पे एक बार रिसेट कर लूँ इसको ताकि मेरा एडजेक्ट फिर लोकेशन बता देगा। यहाँ पे अगर आपका फोन कहीं आपके घर में खो जा रहा है तो प्ले साउंड के अनुसार आप आसानी से इसमें प्ले साउंड करेंगे तो यहाँ पे मेरा रिंगटोन जो होगा वो बजने लगेगा। सिक्योर डिवाइस, आप आसानी से सिक्योर डिवाइस लॉक वगैरह अपना फोन को ऑटोमेटिक किसी और फोन से इसे कर सकते हैं। और जहाँ पे नीचे इरेज डिवाइस है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका प्राइवेसी डाटा वगैरह जो होता है वो आपके फोन में स्टोरेज होता है, तो अगर आपका अपन फोन कहीं खो जाता है तो आसानी से एज ए गेस्ट जब आप लॉगिन करेंगे उसमें यहाँ पे इरेज डिवाइस आएगा और इरेज डिवाइस को क्लिक कर दीजिए तो आपके फोन का जितना भी प्राइवेसी वगैरह वगैरह जितना चीज होगा सब आसानी से कुछ टाइम मिलेगा और सब डिलीट हो जाएगा। आपका फोन सिर्फ वो डब्बा हो जाएगा और किसी को हाथ भी लगेगा तो आपका कुछ प्राइवेसी का जाने का खतरा नहीं रहेगा। तो बस इसमें तीन सेटिंग बहुत ही फायदेमंद है। फायदेमंद क्या, ये हर आदमी के लिए जरूरी है। यहाँ पे क्लिक किए सीधा आप गूगल मैप पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल मैप आपको फिर बताएगा, लेकिन ये जो है सो मेरा करेक्ट लोकेशन आपको बता दे। यही कुछ एप्स की रिव्यू थी। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है। वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।